नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मंशा श्रीवास आपके साथ। नागपुर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले पूर्व ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में आकाशवाणी चौक से एक रैली के बाद बावनकुले ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता और बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की संस्थापक अधिवक्ता सुलेखा कुंभारे, बीजेपी के एक प्रमुख ओबीसी चेहरे बावनकुले को 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट से वंचित कर दिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम सौंपा गया और उन्हें राज्य महासचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई। नागपुर जिले के पूर्व संरक्षण मंत्री ने भी पार्टी के कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। प्रवीण दटके शहर प्रमुख और एमएलसी और इस चुनाव के प्रभारी सहित पार्टी के कई नेता डॉक्टर राजीव पोद्दार, उप चुनाव प्रभारी डॉक्टर विकास महात्मे, राज्यसभा सदस्य अजय संचेती, पूर्व सांसद भाजपा के जिलाध्यक्ष अरविंद गजबीये, विधायक टेकचंद सावरकर, समीर मेघे, गिरीश व्यास, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन माटे, नागो गानार, दयाशंकर तिवारी, मेयर मनीषा धावड़े, उप महापौर अविनाश ठाकरे, नागपुर नगर निगम में सत्तारूढ़ दल के नेता, एनएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख, प्रोफेसर अनिल सोले, सुधाकर कोहले, डॉक्टर मिलिंद माने, मल्लिकार्जुन रेड्डी, सुधीर पर्वे, अशोक मानकर, रमेश मानकर, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष चरण ठाकुर और अन्य ने रैली में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद नागपुर के लिए टिकट दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे सभी के नेता नितिन गडकरी जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा जी, महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जो जवाबदारी मिली है विधान परिषद में काम करने की, महाराष्ट्र की समस्याएं, विदर्भ की समस्याएं, नागपुर की समस्याओं को महाराष्ट्र विधानमंडल में उठाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से जो विश्वास पार्टी ने मुझे ऊपर दिया है वो पूरा करूंगा और ये चुनाव हम जीतने वाले। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।